करके नाथ द्वार में विराजमान हो गए उदयपुर के पास। बीच में रुकते रुकते आए ठाकुर जी जगह जगह, तो रसोई घर निर्माण हो रहा था। तो गुसाई जी ने सबको निवेदन किया कि भाई सब ब्रजवासी अपने घर में अप्रश्न सामग्री बना करके लाओ, और एक एक दिन एक एक घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग में जाएगी। जब तक रसोई निर्माण हो रही है, नया नया ठाकुर जी विराजमान हुए नई जगह, तो जब तक रसोई बढ़िया सिद्ध ना हो जाए तब तक वैष्णव अपने घर से अप्रश्न सामग्री लाओ, ठाकुर जी का भोग लगे। तो एक दिन एक वैष्णव की सेवा आ गई। अब वो बेचारा इतना गरीब था कि उसके घर में सामग्री नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को इतनी ऐसे तो कटोरी में सामग्री थोड़ी जाती है, पूरे बड़े बड़े महाराज भगोना भर के सामग्री जाती, और श्रीनाथ जी को जो भोग लगता वही भोग फिर सारे वैष्णवों में बटता। उसके यहाँ सेवा तो थी नहीं, सामग्री नहीं थी, ना धन था। उसने मुखिया जी से जाकर के एकांत में निवेदन किया, बोले भगवान मेरी सेवा मुझसे छीनिएगा मत, मेरे घर की कल की पारी है, मुझे घर से सामग्री बना के लानी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा छूटे। आपने यदि मेरी जगह किसी और को कह दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन दुविधा यह है मेरे घर में सामग्री नहीं है, मुझे सेवा भी नहीं छोड़नी है और सामग्री भी पधरानी है, मैं क्या करूं। तो मुखिया जी बोले, बोले भैया अकेले ठाकुर जी की बात हो तो भाव भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, पर यहां तो सब वैष्णवों में भी बांटना है, ये सब भी ठाकुर जी की प्रसादी पे ही निर्भर हैं, इनको क्या पवाएंगे। थोड़ी देर विचार करने के बाद मुखिया जी बोले चलो ठीक है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो कल तुम एक काम करना, भगोने जो तुम्हारे यहां भेजे गए ना मंदिर से इतनी इतनी सामग्री बनाने के लिए, उनमें भाव रख लेना, और भाव रख के पत्तल से ढक करके भगोने भेज देना, और बिल्कुल मन में ये किंचित भी भाव नहीं आना चाहिए कि भगोने खाली हैं, उनमें सामग्री का भाव रखना पूरा, ठीक है। दूसरे दिन उस वैष्णव ने नेत्र बंद किए और भाव से चूल्हा जलाया, प्रत्यक्ष नहीं, भाव से चूल्हा जलाया, उस पर सुंदर पतीला रखा, उसमें देसी घी डाला, सुंदर ठाकुर जी को जो जो सामग्री निवेदित होनी चाहिए वो बनानी, सीरा बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दूध सामग्री बनाई, दूध घर की सामग्री सिद्ध की। इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए बहु व्यंजन जितने पात्र आए थे उतने पात्रों में भाव से सामग्री बना रहा था, प्रत्यक्ष में वो पात्र सारे खाली हैं, लेकिन भाव ऐसा रख रहा, आहा क्या केसर की सुगंधी आ रही है, अरे भैया कितना सुंदर हलवा, सीरा बनो ठाकुर जी के खाजे। दूसरे पात्र में कढ़ी डालो, ओहो कैसी गाड़ी गाड़ी कढ़ी आई है ठाकुर जी, वहां में कैसे पकौड़ा तैर रहे हैं, आहा कितनी बढ़िया लग रही है, कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त सामग्रियों को सिद्ध करके खाली पत्तलों को ऊपर रख के सूतरी से बांध करके भगोने उठा उठा करके कंधे पर मंदिर में ले जा करके श्रीनाथ जी के सम्मुख पधरा दिए और कहा भगवान सामग्री आरोग्य। गुसाई जी ने पत्तल सब हटा दी, कपाट बंद करके ठाकुर जी का भार चिंतन करने लगे। मुखिया जी के भी नेत्र सजल हैं, उस सेवक के भी नेत्र सजल हैं, ठाकुर जी आप सेवा स्वीकार करना। सेवक के मन में एक बार भी किंचित भाव नहीं आया कि सामग्री बर्तनों में खाली है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं आया, उसको लगा वास्तव में है। वो तो जब बाहर बैठा था तो गुसाई जी से बार बार कहे, आप सुन रहे हैं चटकारों की आवाज आ रही है भीतर से, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी उंगली चाट रहे हैं, बीच बीच में सुगंधी कड़ी की आ रही है, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी कड़ी पा रहे हैं। गुसाई जी को लेकिन संशय होने लगा, बोले कि खाली पात्र है भैया, जन कहा हुए आज। और जैसे ही कपाट खोल करके देखा तो जितनी भाव सामग्री उसने विचार की थी सब सामग्रियां वहां प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष पात्रों में विद्यमान हो गए। ठाकुर जी के मुखमंडल पर कड़ी भात लगा हुआ है। यह है अर्चन भक्ति। सामग्री कितनी महंगी है, सामग्री कितनी विशिष्ट है, यह जरूरी नहीं है, आपका भाव कैसा है। और भाव निर्मित तब होगा जब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन ये चार भक्ति जीवन में आएंगे, मतलब सब भक्तियां आवश्यक है, तब अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति पर जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि लोग सेवा को ही सब कुछ मान लेते हैं, बाकी के भावों को उतना प्रधानता नहीं देते, ऐसा नहीं। बाकी की भक्तियां पुष्ट नहीं होंगी तो सेवा करना केवल एक पाषाण की सेवा है, केवल एक धातु की सेवा आप कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा, भाव प्रधान। तो कौन सी भक्ति है? अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति की आचार्य द्वारिका में कौन है? सत्यभामा। ठाकुर जी की बहुत अर्चना करती, भाव से अर्चना करती। एक दिन स्वर्ग के कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्प देवताओं ने भगवान के निवेदन के लिए भेजे द्वारिका, और उन पुष्पों को जब ठाकुर जी ने प्राप्त किया तब ठाकुर जी रोहिणी जी के रुक्मणी जी के कक्ष में बैठे थे, तो ठाकुर जी ने सहज भाव से उन पुष्पों को रुक्मणी जी के केश में सजा दिया, स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पुष्प। उन पुष्पों बंधुओं शास्त्रों में कल्प वृक्ष के पुष्पों की महिमा क्या बताई गई, एक बार उसकी सुगंधी कोई ले ले वो निरोगी हो जाएगा, उसको कोई रोग ही नहीं हो सकता। एक बार यदि उन पुष्पों को सुखा करके उनका सुंदर उनको पीस करके उनका लेप यदि अपने अंग पर लगा ले उसको कभी वृद्धावस्था नहीं होगी।
उसकी औषधि बना करके पान कर ले तो अमृत तुल्य दीर्घायु हो जाएगा, कभी अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं, इतनी महिमा है उसके पुष्पों की। रुक्मणी जी के केश में ठाकुर जी ने सजा दिया। उसी समय नारद जी यहां पर दिनचर्या भगवान की देख रहे थे कि ठाकुर जी 16108 पत्नियों के संग कैसे रहते हैं। नारद जी भ्रमण करते करते जैसे ही रुक्मणी जी के कक्ष में झांक करके देखा तो ठाकुर जी कल्प वृक्ष के पुष्पों को रुक्मणी जी के केश में सजा रहे थे। नारद जी बोले, जे बढ़िया तरीका मिला, कलेश करवा दूं मैं द्वारिका में। तुरंत दौड़ करके गए सत्यभामा से जाके बोले, आप तो कहती हो कि ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा बोली, वो तो करते ही हो, कहने की क्या बात है, सबसे ज्यादा स्नेह मुझसे ही करते हैं। अच्छा, स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पुष्प आज द्वारिका आए थे, बताओ वो कहां है। सत्यभामा जी बोली, सुनने में तो आया था कि देवताओं ने पुष्प भेजे हैं, कुछ विलक्षण पुष्प हैं। नारद जी ने पुष्पों की महिमा बताई, ऐसे पुष्प ऐसे पुष्प ऐसे पुष्प, लेकिन ये बताओ वो हैं कहां। सत्यभामा जी बोली, पता नहीं, लेकिन इतने बहुमूल्य पुष्प हैं तो निश्चित ही किसी विशिष्ट स्थान पर होंगे। नारद जी बोले, हाँ ठाकुर जी को जो प्रिय है उस स्थान पर है, रुक्मणी जी के केश में सज रहे हैं। पर मैं तो इसलिए आपसे पूछने आया था कि एक आध शायद आपके केशों में भी लगा होगा, आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना। बस नारद जी तो अच्छा बंधु, इसमें यह मत सोचना कि आग लगाने वाले, नहीं ऐसा बात ऐसा विचार भी मत करना। ये ठाकुर जी की लीला प्रकट करवाते हैं नारद जी। नारद जी डायरेक्टर हैं भगवान की पूरी लीला के। वहां कंस से जाकर के कह देते हैं कि आप श्री कृष्ण को धनुर्यज्ञ में बुलाओ, ऐसे ऐसे व्यवस्था करना, और यहां से मल्ल भेज देना, यहां कुबलिया पीड़ हाथी को लगा देना। ठाकुर जी जैसे ही आए पहले कुबलिया पीड़ हाथी मारेगा, फिर मल्ल मार देंगे, आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो कृष्ण मर जाएगा यहीं पर। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस के साथ तो कंप्लीट क्लेम्स मिलना भी एक्सपेक्टेड है, ट्रस्टेड नेम कंप्लीट क्लेम। कंस बोला, भगवान आपको मेरे बड़े हितैषी हो। नारद जी बोले, तेरे हित की सोचता हूं, चल लग जा तैयारी में। और दौड़ करके भगवान के पास गए, बोले परसों कंस को मारा देखना चाहता हूं।